हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शिव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अवकलन का सीरीज में शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने वोटिंग भी कराया था कि अवकलन आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो कई लोगों ने कहा सर अवकलन पढ़ना है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी क्लास में या तो इलेवेंथ में या तो ट्वेल्थ में, दोनों में अवकलन के चैप्टर है, ठीक है। दोनों में अवकलन के चैप्टर है दोस्तों। आप लोगों को ये कोई परमानेंटली नहीं है कि क्लास 11 का पढ़ाने वाला हूँ, क्लास 12 का। या तो जो बीएससी लेवल में है, एमएससी कर रहे हैं या बीएससी में, उनके में भी यदि अवकलन है, यदि उनका बेसिक कमजोर हो, तो कृपया इन वीडियो को आप देख सकते हैं। आज पहला पार्ट रहेगा दोस्तों, इसके बाद क्रम से एक एक करके पूरा पार्ट कवर कराऊंगा, जितने भी प्रकार अवकलन होते होंगे। और इसके बाद अवकलन जैसे ही खत्म हो जाएगा दोस्तों, हम समाकलन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पूरा सिलेबस तो कवर नहीं करा पाएंगे, लेकिन अवकलन से संबंधित जितने भी तथ्य होंगे दोस्तों, जितने भी फार्मूले होंगे, उन फार्मूलों को सिद्ध भी कराएंगे और उनसे संबंधित जितने भी सवाल होगा दोस्तों, उनको भी हम देखेंगे। तो आज हम पहला टाइप पढ़ेंगे दोस्तों, एक फार्मूला बताएंगे और उससे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। हमारा यही रोज का दोस्तों क्या रहेगा, टेक्निक रहेगा, हमारा यही नियम रहेगा कि एक फार्मूला बताएंगे और उससे संबंधित 4 से 5 तथ्य यानी फार्मूले के साथ क्वेश्चन कराएंगे। चलिए आज पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिसमें से उसमें फार्मूला यूज होगा। तो पहला फार्मूला आप लिख लीजिए d/dx, ठीक है, x के पावर n, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों nxn-1। ये फार्मूला है और इस फार्मूला का आज हम प्रयोग करेंगे, कितने भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों इसी फार्मूले से पूरा सॉल्व होगा। अब मेरा कहना यह है दोस्तों, यदि x के जगह y हो जाता तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि y के सापेक्ष y का अवकलन होगा, y के सापेक्ष y का अवकलन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर n है तो यहाँ ही रहता y n माइनस n हो जाता, n माइनस 1 हो जाता। तो ये फार्मूला दोस्तों, x है तो x के सापेक्ष, मतलब x के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, y है तो y के सापेक्ष यानी y के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि z होता तो z के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको अवकलन समझना है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला है सिंपल सा है, पहला क्वेश्चन है आपके पास 5x2, इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना। तो सबसे पहले मान लेना है, माना हम बाई मान लेते हैं, बाई बराबर 5x2, इतना हमने माना है। फिर आपको क्या लिखना है दोस्तों, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं यहां तक दोस्तों। अवकलन का चिन्ह होता है x के सापेक्ष ना, तो d/dx, यहां पर y है तो y रहने दीजिए और यहां पर लगा देंगे d/dx, ठीक है, 5x2। दोस्तों यहां पर देखना है x का, हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x को रहने देंगे, बाकी जो कांस्टेंट होगा उसे कॉमन ले लेंगे, तो 5 बाहर आ जाएगा, d/dx x के पावर 2। अब चूंकि दोस्तों फार्मूला आपने क्या पढ़ा है कि x के पावर n बराबर nxn-1, फार्मूला आपने क्या पढ़ा, x के पावर n बराबर nxn-1, मतलब जो घात में दोस्तों उसको सामने लाना है और x की पावर घात में 1 क्या करना है, घटाना है। अब इस प्रकार से 5 × 10 हो गया और x 2 में 1 घट जाएगा तो 1x होगा दोस्तों, यही आपका dy/dx आ गया, यही आ गया आपका आंसर। ये पहला है दोस्तों, और एक छोटा सा था इसलिए छोटा लिया हूं क्योंकि आपको बेस तैयार करना है। इसके बाद क्रम से दोस्तों पूरे वीडियो पढ़ने, पूरे टाइप से क्वेश्चन करने, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, मैं एक क्रम से आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि मैं इसलिए वोटिंग कराया था कि क्या अवकलन पढ़ना चाहते हैं, तो अवकलन पढ़ना चाहेंगे तो लगभग 100 वीडियो 200 वीडियो जितना भी बनेगा मैं कोशिश करूंगा अपलोड करने के लिए। प्लीज आप इतना बनता है कि यदि पसंद आए ना तो प्लीज लाइक करके जाइए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए वीडियो नए नए प्रकार से लाते रहे। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, बाकी ज्यादा हम नहीं मिटा रहे क्योंकि हमको वही लिखना है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके पास यदि दे दिया जाए 3x2 + x^3, इतना हो गया, अब क्या करना है, अवकलन करना है। तो फिर हमने मान लिया, माना y बराबर 3x2 + x^3, हमने कुछ भी नहीं किया, माना है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको भी हमको लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि पहले से लिखा है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अवकलन का चिन्ह ही होता है d/dx, तो अपन d/dx कर दिया और इधर भी दोस्तों d/dx 3x2 + x^3,
अब क्या है दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आपको दिख गया, दो दिख गया ना, तो अलग अलग कर दीजिए, प्लस है ना तो अलग अलग कर दीजिए, बस हो गया, कुछ भी नहीं करना है, अलग अलग कर देना है आपको। तो d अपॉन dx, 3x स्क्वायर ये अलग हो गया, और फिर दोस्तों d अपॉन dx x के घात 3, ये हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, अलग अलग कर दिया। अब यहाँ दोस्तों तीन कॉन्स्टेंट है, तो तीन को बाहर ले लेते हैं, और x स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, x स्क्वायर, और यहाँ पर x क्यूब का मैंने क्या बोला है कि जो घात में उसको सामने ले आए और घात में एक घटाते हैं, तो फार्मूला है, जो घात है उसको सामने ले आए और घात में एक घटाते हैं, यही फार्मूला है और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार इसमें भी दो को सामने ले आए, दो में एक को घटा दे, यही फार्मूला, यही आंसर है आपका, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 3-1, 3 में एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अब 3 दूना दोस्तों 6 हो जाएगा, और x हो जाएगा क्योंकि 2 में 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा दोस्तों, और 3x स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कैसा लगा प्लीज, यदि अच्छा लगे तो बिना फूले हुए लाइक करके जाना दोस्तों, इतना तो बनता है, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको लगाते चले, वीडियो को रोक लें, ठीक है, वीडियो को रोक लें, ठीक है, और हल कर लें, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, चलिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपको मैं बोल दूं कि x घाते 25 है, इसका अवकलन करिए, x घाते 25 है, x के सापेक्ष अवकलन करिए, तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल हाँ, कैसे, माना y बराबर x घात 25, अब x के सापेक्ष दोनों पक्षों में क्या करने पर अवकलन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, dy अपॉन dx इक्वल, ठीक है, कितना हो जाएगा, d अपॉन dx x घात 25, इसका अवकलन करेंगे। मैंने क्या कहा, जो घात है उसको सामने लाना है, जो घात है उसको सामने लाना है, और घात में एक घटा देना, यही तो फार्मूला, यही तो फार्मूला, मैंने फार्मूला ऊपर लिख कर रखा है, ताकि आज का पहला फार्मूला दोस्तों, प्लीज आप इसको क्या करें, इस फार्मूले को नोट कर लें, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, 25 में एक घटा देंगे 24 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो कितना इजी है, सिंपल है, अवकलन है, आपको लगता होगा बहुत कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत इजी है, बस आप करते चलिए, बस हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, अंततः तो मैं मिटा ही दूंगा। चलिए अब दोस्तों एक अंडर रूट का ले लेते हैं अपन, जैसे आपके पास आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर, चलो ये तो इजी है, ठीक है, ऐसा कितना बस है, तो फिर आप क्या करेंगे, वाई बराबर, माना तो मानना ही है, माना वाई बराबर, मान ली अंडर रूट एक्स, कितना तो मानता है, मान से बनता है, ठीक है, बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब x के हिसाब से दोनों पक्षों में अवकलन, तो d अपॉन dx लगा देना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये y है, ठीक है, तो d अपॉन dx इधर क्या कर देना दोस्तों, रूट x कर दिए, कोई परेशानी नहीं ना, इतना तो कोई परेशानी नहीं। आप देखिए थोड़ा सा सामने, d अपॉन dx दोस्तों x के पावर 1/2, क्योंकि रूट x जो है दोस्तों x घात 1/2 हम इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ या नहीं प्लीज, ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन। अब हमने क्या कहा दोस्तों, हमने क्या कहा, जो घात में उसको सामने लाना है और जो घात में उसमें एक घटाना है, इतना तो आपसे बनता होगा, क्योंकि कैलकुलेशन दोस्तों मैथ्स की है तो बिल्कुल ये कैलकुलेशन तो बनना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। अब कैलकुलेशन में अपन क्या करते हैं, x पावर 1/2 - 1, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, मतलब 1/2 - 1 इसको अपन करेंगे, ठीक है ना, तो 2 1 कम 2 यानी 1 - 2/2, 1 में 2 घटाएंगे दोस्तों तो -1/2, यानी दोस्तों 1/2 x घात -1/2, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, आगे क्या आएगा, ये जो दोस्तों क्या है, माइनस है ना, जो ऊपर का नीचे जाता है वो प्लस हो जाता है, और जब नीचे का ऊपर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो आगे हो क्या जाएगा दोस्तों, 1/2 तो रहने देंगे, जो नीचे x जाएगा तो माइनस में था वो प्लस में हो गया। हमने क्या बताया था, ये रूट x ही 1/2 लिखा जाता है, तो 1/2 है ये, इसको रूट x कर सकते हैं, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन आपको समझना ये चीजें हैं कि डायरेक्ट इसका अवकलन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कि रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, तो 1/2 रूट एक्स, ये याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट अपन अवकलन रख देंगे, फिर आपको परेशानी होगी कहां से आ रही है। और हाँ दोस्तों, ये तो मैथ्स है, मैथ्स के अलावा 11 12th के केमिस्ट्री और फिजिक्स भी वीडियो डले हुए हैं, तो आप यदि पहली बार देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली दोस्तों नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और नए टॉपिक के साथ, और उसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ शिवराज
ठीक है, मेरा नाम शिवराज पटेल है, आप लोगों को पता होगा शिव कोचिंग क्लासेस मेरे नाम पे ही चैनल बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज का तीसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं अपन। चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि आप लोगों को समझ में आता है, तब तो बताने में मजा आएगा और पढ़ाने में मजा आएगा, अन्यथा हम फिर वीडियो मैथ्स की वीडियो नहीं बनाएंगे। क्योंकि कई सारे बच्चों का कमेंट है कि सर मैथ्स की चैप्टर वाइज शुरू करिए, तो एक चैप्टर यह समझिए अवकलन का एक चैप्टर यह है जिसमें सरल अवकलन भी है, कठिन अवकलन भी है, कई प्रकार के अवकलन है, तो उस अवकलन को पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। तो आपका अवकलन पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा, इसके बाद बचेगा समाकलन, तो समाकलन भी हम स्ट्रांग करवा देंगे, जिससे ना केवल 11 12th के बल्कि यदि हमारे साथ बहुत सारे बीएससी के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, किसी भी सेम में किसी भी ईयर में है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बेसिक चीजें हैं, इन्हें समझने के लिए उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि ये बेसिक चीज बनता है तभी आगे बनता है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम बात करें रूट x की है, लेकिन कर्णी का घात कितना है 3। कर्णी का घात हमने y बराबर वही चीज मान लिया, x के पावर घात कितना 3। अब दोस्तों यहाँ डी अपॉन डी एक्स है और आपने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर कर्णी का घात कितना था 3। अब जैसे दोस्तों रूट एक्स को क्या करते थे, एक्स घात 1/2 करते थे, उसी प्रकार रूट 3x को क्या करेंगे दोस्तों, एक्स घात 1/3, तो भी कर्णी का घात कितना 3। इतना समझ में आया होगा आपको। तो अपन को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स है, एक्स के पावर 1/3 करना है, x पावर 1/3 कर दिए, इतना भी कोई परेशानी नहीं। अब अवकलन का होता है क्या सूत्र, nxn-1, मतलब जो घात में होता है उसको अपन सामने लाते हैं, उसको अपन सामने लाएंगे और दोस्तों जो भी है घात में उसमें 1 घटाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/3 ही रहेगा, और इसमें क्या हो जाएगा घटाते बनेगा, तो 3 × 1 = 3, 1 में क्या घटाएंगे, 1 में 3 घटाएंगे तो -2/3, ये क्या आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा, कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और यदि और पढ़ाना है दोस्तों तो कृपया बताइएगा कि हम और वीडियो बनाएं या ना बनाएं। समझ में आता होगा तो प्लीज आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।